इन पुरानी मेडिकल शीशी से आज हम आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार एक डेकोरेशन लाइट बना के दिखाने वाले, जो इस टाइप से दिखने वाली है। तो यहाँ पे आप इसको अपने रूम में भी लगा सकते हो, बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, मोबाइल चार्जर से चलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास शीशी है पुरानी, और यहाँ पे देखिए इनका, जैसे मैं गाइस यहाँ पे इसका कवर उतारता हूँ ऊपर का, तो देखिए जैसे मैं इसका जो कागज है उसको उतार लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से उतरता है, पूरा कागज नहीं उतरता। तो गाइस यहाँ पे इसका कागज उतारने के लिए हमें हॉट वाटर की जरूरत पड़ने वाली है। आप यहाँ पे इनको हॉट वाटर में डबो देना एक घंटे के लिए, तो यहाँ पे इसका जो कागज है यहाँ पे ऑटोमेटिकली उतर जाएगा जैसे इसका उतरा हुआ। तो यहाँ पे मैंने सभी को उतार लिया है, आप लोग देख सकते हो तो क्या मस्त लगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ पे 12 CC मेरे पास है, तो यानी यहाँ पे हमें 12 ब्लब चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ ब्लब। यहाँ पे रेड कलर की 4 है, यहाँ पे ब्लू भी 4 है, और यहाँ पे गाइस ग्रीन भी 4 है। तो देखिए गाइस यहाँ पे 4 × 8 = 12, तो यहाँ पे मैं 12 LED लगी है, यानी 12 रुपये की 12 LED। बड़ी लैग गाइस यहाँ पे पॉजिटिव होती है, छोटी लैग गाइस यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मैं 4 CC ले लेता हूँ, और 4 ब्लू कलर की LED ली है। तो गाइस यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो इसकी ग्रिप होती है गाइस, इसमें हम यहाँ पे होल कर लेंगे, और जो LED है इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, क्या मस्त लग रही है, और इसको हम यहाँ पे ढक्कन को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बल्ब हमारे देखिए कितना मोटा हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको हम ऊपर से भी चिपका देंगे, और जो साइड से ग्रिप आएगा इसको भी यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे ये चिपक चुका है, और यहाँ पे हमारा एक बल्ब रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी बल्ब को तैयार किया जाता है, यानी हम इसको सभी बल्ब को इसी प्रकार से तैयार करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको भी तैयार कर लूँ, और यहाँ पे जो छोटी CC है इसको भी हम यहाँ पे गाइस बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं इसको चिपका लेता हूँ सिंपल, काफ़ी मस्त तरीके से ये चिपक भी जाता है सुपर ग्लू से। आप चाहो तो इनके अंदर पानी भी डाल सकते हो, जिससे यहाँ पे और भी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो पानी डालने के लिए आपको थोड़ा जो बल्ब है बाहर की तरफ ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गाइस नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया, तो गाइस यहाँ पे बी लिख दिया है, इससे हमें पता लग गया कि गाइस यहाँ पे ब्लू कलर की हैं। अब यहाँ पे हम रेड कलर की LED लेकर आए हैं, इनको भी हम यहाँ पे ऐसे ही लगा देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने ब्लू कलर की ये है गाइस, यहाँ पे है रेड, और गाइस यहाँ पे है ग्रीन। गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनकी यहाँ पे हम झालर बनाएंगे। तो यहाँ पे लेकर के आया हूँ मैं एक वायर, काफ़ी बारीक है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत वायर है। आपके पास नहीं होगा तो आपके पास घर में पुरानी झालर पड़ी होगी, आप उसमें से वायर को निकाल लेना जो सही वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने इस वायर को लिया है गाइस, यहाँ पे मेरे आधे हाथ के बराबर ये वायर है जहाँ पे कोनी का जोड़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसी प्रकार से इन सभी वायर को काट लूँगा। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे 10 वायर काट लिए, आप चाहो तो इनसे छोटे काट सकते हो, इससे बड़े काट सकते हो। तो गाइस हम इनको ऊपर से छोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ग्रीन कलर का वायर गाइस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हमने यहाँ पे इसको छोड़ लिया है, और यहाँ पे इन वायर को साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो वायरिंग है गाइस वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम को, पॉजिटिव सारी एक तरफ, नेगेटिव सारी एक तरफ, मोबाइल चार्जर से डायरेक्ट चलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे वायरिंग करते हैं, जितने भी गाइस यहाँ पे बड़ी लैग है उस पर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन, और जितनी यहाँ पे छोटी लैग है उस पर लगाएंगे हम यहाँ पे माइनस वाला वायर, यानी ब्लैक वायर। तो यहाँ पे मैं माइनस वाला वायर जोड़ देता हूँ, और जो पॉजिटिव लैग है बड़ी लैग है उसके ऊपर यहाँ पे मैं ग्रीन वायर जोड़ देता हूँ। तो एक बल्ब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा बल्ब को लेके आया हूँ ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे पहला रेड ब्लू था, और दूसरा यहाँ पे ग्रीन है। तो गाइस यहाँ पे ये ग्रीन वाला वायर है मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव लैग पे, जो बड़ी लैग होती है। तो यहाँ पे छोटी लैग है उस पर हमने ब्लैक जोड़ दिया, और यहाँ पे फिर लेके आया हूँ गाइस मैं ब्लू। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर जोड़ देते हैं। तो गाइस पहला रेड था, दूसरा यहाँ पे ग्रीन है, और तीसरा यहाँ पे ब्लू था। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे इन सभी को जोड़ लिया है। यहाँ पे एक झालर टाइप में बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे 12 ब्लॉक की झालर बनाई है, आप यहाँ पे 24 की बना सकते हो, 50 की, 100 की, आपके पास जितनी CC हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पे लेकर के आए मोबाइल चार्जर, तो इससे वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जर का लाल वाला वायर है इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर, और जो चार्जिंग का यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है उसके साथ यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर ही जुड़ेगा। अब इसको बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड में लगाते हैं, चलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो क्या मस्त यहाँ पे जल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा, यानी यहाँ पे थोड़ा कम चलना, एक बल्ब को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे जल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको हमें डेकोरेट भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन में जल रही है। तो कुछ बल्ब यहाँ पे इसलिए नहीं जल रहेगा, यहाँ पे जो रेड कलर की LED थी उनके एक लैग पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए। तो आप रेजिस्टेंस लगा लेना, वरना आपकी जो LED है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और गाइस जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे जो ये वाली LED है इनके नीचे आप रेजिस्टेंस भी मत लगाना, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे ही जल जाती हैं। जो रेड कलर की LED होती है उनके नीचे आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 1K का। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर दिया हूँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा तेज़ इसका रोशनी आ रही है। दीवार की तरफ भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल रिफ्लेक्स इसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है, इन CC के अंदर लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्स इसका बढ़ चुका है।
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको मोबाइल चार्ज से चला रखा है। यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है दीवार के ऊपर। आप इसको अपने रूम में भी लगा सकते हो, काफ़ी मस्त यहाँ पे जल रही है। तो आप लोग देख सकते हो बिल यहाँ पे इसका बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पे इसको मोबाइल चार्जर से चला के दिखाया, तो मोबाइल चार्जर बिल्कुल भी ज़्यादा बिल नहीं लेता। आप चाहे उसको दिन और रात दोनों टाइम चला सकते हो। तो यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब बल्ब बिल्कुल बंद कर दी है, तो यहाँ पे आपको दूर से भी दिखा देता हूँ जो मेज़ के ऊपर है कितना ज़्यादा चाना यहाँ पर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेज़ के ऊपर कितना ज़्यादा चाना आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।